This London Top video is brought to you by CoinSwitch Kuber. Download the app now. भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करना आखिर फ्लेक्सिबल कितना है? आपके पैसे हैं, जब चाहो आपके पास, जब आप चाहो बिटकॉइन में, 24/7. CoinSwitch Kuber डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो. सिंपल, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल. ट्रेड कर बेफिकर. नमस्ते, दी ललन टॉप पर मैं सोनाली हूँ. 1975 में जब पहली बार क्रिकेट विश्व कप खेला गया तो जीतने वाली टीम वेस्ट इंडीज को इनाम के तौर पर मिले थे कुल 75,000 रुपए. 2019 विश्व कप आते आते ये रकम लगभग 28 करोड़ हो गई. अब विश्व कप के बाद आईसीसी ने एक और बड़ा आयोजन किया है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जिसका पहला फाइनल 19 जून से इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में खेला जाएगा. आईसीसी ने पहली बार खेले जा रहे इस खिताबी फाइनल से पहले इसकी इनामी राशि का ऐलान कर दिया है. किस टीम को कितनी रकम मिलेगी जान लीजिए. भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस फाइनल की विजेता टीम को बिना को 1.6 मिलियन यूएस डॉलर्स यानी कि 11 करोड़ 73 लाख रुपए मिलेंगे. इतना ही नहीं, हारने वाली टीम भी जेब भर भर कर लौटेगी. हारने वाली टीम को 8 लाख यूएस डॉलर यानी कि लगभग 6 करोड़ की रकम दी जाएगी. इसके अलावा पॉइंट टैली में तीसरे नंबर की टीम को 4,50,000 यूएस डॉलर्स, चौथे स्थान पर रहने वाली टीम को 3,50,000 यूएस डॉलर्स, जबकि पांचवें स्थान की टीम को 2,00,000 यूएस डॉलर्स दिए जाएंगे. इसके अलावा बाकी सभी टीम्स को 1,00,000 यूएस डॉलर्स के साथ अलविदा कह दिया जाएगा. लेकिन इतने सारे पैसों की बात के बीच कई सवाल हमेशा जहन में बने रहते हैं, जैसे इतना बड़ा चेक मिला, इतने सारे पैसे मिले, ये सारा पैसा किस तरह बटेगा, सबसे ज्यादा कैश किस प्लेयर की जेब में जाता है, या फिर ये सब किसी बोर्ड के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगा. खिलाड़ियों के साथ जी जान लगा रहे स्पोर्ट्स स्टाफ को भी कुछ मिलेगा या फिर नहीं, या फिर जो रकम है वो सारी की सारी सब खिलाड़ियों में बराबर बांट दी जाएगी. ऐसे कितने ही सवाल पैसों की बात आते ही सामने आते हैं. इस खबर में हम आपके लिए ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब लेकर आए हैं. आइए अब आपको बताते हैं कि खिताब जीत कर लौटने वाली टीम प्राइज मनी का बंटवारा किस तरह करेगी. कुछ पॉइंट्स के जरिए ये रहे आपके तमाम सवालों के जवाब. सबसे पहले, वर्ल्ड कप से ज्यादा पैसे हैं? इसका जवाब है नहीं. 2019 में खेले गए आखिरी क्रिकेट विश्व कप में विजेता टीम को लगभग 28 करोड़ रुपए दिए गए, जो कि 2016 में खेले गए आखिरी T20 विश्व कप की विजेता टीम को लगभग 41 करोड़ का चेक सौंपा गया था. किसे मिलेगा? तो विराट कोहली या केन विलियमसन, दोनों कप्तानों में जो भी जाकर खिताबी ट्रॉफी उठाए, लेकिन इस चैंपियनशिप को जीतने के बाद मिलने वाली इनामी राशि उस टीम के बोर्ड के पास जाएगी. तो क्या टीम को कुछ मिलेगा? इसका जवाब है, खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को प्राइज मनी में से कुछ हिस्सा जरूर मिलेगा, लेकिन वो कितना होगा ये बोर्ड खुद तय करेगा. खिलाड़ियों को प्राइज मनी में से बांटी जाने वाली रकम खुलकर कभी नहीं बताई जाती है. अक्सर ऐसा होता है कि टूर्नामेंट जीतने के बाद बोर्ड टीम के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ में इस इनामी राशि को बांट देता है. कोई भी खिताब जीतने के बाद मिले पैसों को पूरे दल में बराबर बांट दिया जाता है. अब सवाल, क्या कुछ और भी मिलेगा? इसका जवाब है, BCCI ने फिलहाल ऑफिशियली ऐसा कुछ ऐलान नहीं किया है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी भारत ने ऐसा कोई बड़ा टूर्नामेंट जीता है तो BCCI ने खिलाड़ियों को और उस दल को खास इनाम दिए हैं. यह हर बार ICC की प्राइज मनी से अलग होता है. उदाहरण के तौर पर विश्व कप 2011 में जीत दर्ज करने के बाद BCCI ने खिलाड़ियों को 2-2 करोड़ की प्राइज मनी देने का ऐलान किया था, और सपोर्ट स्टाफ को खिलाड़ियों को मिलने वाली प्राइज मनी की आधी रकम भी दी गई थी. वहीं 2007 T20 विश्व कप जीत के बाद भी BCCI प्रेसिडेंट शरद पवार ने टीम इंडिया के दल को 12 करोड़ 40 लाख रुपए का बोनस देने का ऐलान किया था. युवराज सिंह को उनके 6 छक्कों के लिए अलग से 1 करोड़ की इनामी राशि भी दी गई थी. अब सवाल, पूरी टीम को मिलेंगे पैसे? तो हाँ, बिल्कुल. ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि सिर्फ प्लेइंग 11 वाले खिलाड़ियों को ही कोई खास इनाम दिया जाए या प्राइज मनी दी जाए. पूरे दल को जीत के बाद इनाम दिया जाता है. अंतर बस इतना होता है कि मैच खेलने वाले 12 खिलाड़ी यानी कि 12वें खिलाड़ी को भी अलग से उस मैच की फीस भी मिलती है. अब मौजूदा समय में भारतीय खिलाड़ियों की टेस्ट की मैच फीस 15 लाख रुपए है, जो कि हर खिलाड़ी को बराबर दी जाती है. समझ लीजिए, अगर भारत इंग्लैंड में टेस्ट चैंपियनशिप जीत कर लौटा तो पैसे का बंटवारा
कायदे से कर दिया जाएगा। ये खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी विपिन ने। मेरा नाम है सोनाली, देखते रहे द लल्लन टॉप।